अब आगे बात करते हैं। हमारी जो बात हुई थी कल, वो हुई थी इंफ्रारेड की बात कर रहे थे, और सॉरी रेडियो वेव की बात कर रहे थे, रेडियो वेव की बात कर रहे थे। आपने देखा होगा बहुत सारे, रेडियो वेव हमारा हेडिंग था, हमारा हेडिंग था रेडियो वेव। हम लोग देखते हैं बहुत सारा हमारा सिस्टम जो है वो सैटेलाइट के माध्यम से चलता है। हम देखते हैं जो हमारा टेलीफोन है, मोबाइल फोन एक वेव से चलता है, मोबाइल फोन जो हमारा चलता है स्टूडेंट, या हमने टीवी जो लगाते हैं, टीवी में जो डिश हम लगाते हैं, डिश डिश ऐसे थोड़ी चल जाता है, एक सिग्नल जाता है, सिग्नल किस वेव में जाता है, रेडियो वेव में। इनमें क्या यूज होता है भाई, रेडियो वेव यूज होता है। क्या यूज होता है, हाँ रेडियो वेव यूज होता है, एक विशेष प्रकार का सिग्नल निकलता है सैटेलाइट के थ्रू, फिर हमारे मोबाइल तक पहुंचता है। होता क्या है, याद आ बेटा, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती कि बोर्ड ब्लर दिख रहा है। क्या सभी को ऐसा दिख रहा है, अच्छा अब कैसा दिख रहा है, अब सही दिख रहा है, चलो हाँ नहीं दिखेगा, अब आ जाओ देखेंगे, थोड़ा बात करेंगे। हमारा जो मोबाइल फोन काम करता है वो कैसे काम करता है, हम बातें जो करते हैं एक दूसरे से वो कैसे बात करते हैं, उस पर थोड़ी सी बात हम करेंगे, क्या व्यवस्था होती है उसके, ये ध्यान दें। अगर कोई दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, दो लोग हैं स्टूडेंट, दो लोग हैं, और दो लोगों में मान लीजिए दोनों लोग मोबाइल से बात कर रहे हैं, इनका ये कान है, ठीक है, ये किससे बात कर रहे हैं, इनके पास मोबाइल फोन है, ये इसके पास भी मोबाइल है और इसके पास भी मोबाइल फोन है। ये दोनों जब बात करते हैं, मान लीजिए इसने फोन किया किसको, इनको फोन किया, इनको फोन किया, तो याद रखिएगा ये बातें डायरेक्ट इन तक नहीं पहुंचती, इससे सिग्नल जाता है यहाँ पे, क्या होता है, सैटेलाइट होता है, क्या होता है, हवा में सैटेलाइट होता है, इनका वैसे सैटेलाइट से जाता है, फिर सैटेलाइट के थ्रू इन तक बात पहुंचती है। तो मतलब दो लोगों के बीच में कौन होता है, सैटेलाइट होता है, याद रखिए, अगर दो लोगों की बातों के बीच में क्या होता है, सैटेलाइट होता है। और याद रखिएगा ये जो फोन वगैरह काम करते हैं किससे करते हैं, रेडियो वेव पे काम करते हैं, किस वेव से काम करते हैं, रेडियो वेव से काम। ये रुमान है, ये कौन है, ये है रुमान और ये है अनस, ये अनस है और ये रुमान है, दोनों लोग इस तरीके से बात करते हैं। हाँ तो आइए रेडियो वेव के बारे में लिखेंगे, रेडियो वेव के बारे में लिखेंगे, और एक चीज मैं आपको बता दूं, रेडियो वेव जो यूज होता है वो अर्थ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तक, अगर ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से लेकर के लगभग 30 या 100 किलोमीटर की दूरी तक रेडियो वेव काम करता है। क्लियर हो रही है बात, हाँ रेडियो वेव का काम ये होता है, क्या होता है, सिग्नल को भेजना और सिग्नल को ले आना। एक्चुअली ये टेलीफोनिक सिस्टम में ज्यादा यूज होता है, या डिश टीवी वगैरह जो आप देखते हैं उसमें इसका यूज ज्यादा होता है। लिखेंगे उसमें लिखेंगे, रेडियो वेव इज यूज, लिखेंगे रेडियो वेव इज यूज मेनली इन कम्युनिकेशन, इन कम्युनिकेशन, इन कम्युनिकेशन एंड, इन कम्युनिकेशन एंड सिस्टम ऑफ टेलीविजन, सिस्टम ऑफ टेलीविजन, जो टेलीविजन आप देखते हैं डिश वगैरह से जो सिग्नल आता है, जो सिग्नल वगैरह आता है स्टूडेंट, वो कैसे आता है,
वो रेडियो वेव की वजह से पॉसिबल हो पाता है। कैसे पॉसिबल हो पाता है स्टूडेंट? रेडियो वेव की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, टेलीकास्ट, टेलीविजन को अगर बोलेंगे तो बोलते हैं टेलीकास्ट। क्या बोला जाता है? टेलीकास्ट। मतलब टेलीकास्ट में भी किसका यूज होता है? रेडियो वेव का यूज होता है। किसका यूज होता है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। लिखेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव इज ग्रेटर देन 200 मेगाहर्ट्ज़। 200 मेगाहर्ट्ज़ से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव में होती है। कम्युनिकेशन और टेलीकास्ट में इसका यूज होता है। टेलीकास्ट मतलब टेलीविजन वगैरह, और कम्युनिकेशन मतलब फोन फाटा वगैरह। ये रेडियो वेव के बारे में है। अगला लिखेंगे स्टूडेंट इंफ्रारेड रेडिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे शॉर्ट नोट पूछ सकता है। अगला है आपका इंफ्रारेड रेडिएशन। रूमी को मेरी आवाज आ रही है? रूमी, रूमी है? नहीं रूमी क्या क्लास में? इंफ्रारेड रेडिएशन, लिखेंगे दिस इज इनविजिबल। इनविजिबल मतलब जो दिखाई ना दे। इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दिस इज इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस इज इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखेंगे इंफ्रारेड रेडिएशन कॉज हीटिंग इफेक्ट, कॉज हीटिंग इफेक्ट। इंफ्रारेड रेडिएशन कॉज हीटिंग इफेक्ट। इंफ्रारेड रेडिएशन का काम क्या होता है? बहुत मोटी सी लेयर हो तो उसमें क्या करना है, पेनिट्रेट करना है। अगर होल करना है तो इंफ्रारेड का यूज कर लेते हैं हम लोग। लेजर लाइट में इनका यूज होता है। लेजर आप देखते होंगे, स्ट्रॉन्ग लेजर लाइट में इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज होता है। लिखेंगे दिस इज यूज टू पेनिट्रेट द थिकर, दिस इज यूज टू पेनिट्रेट द थिकर याद रखेगा इंफ्रारेड रेडिएशन अगर बहुत ज्यादा फॉग वगैरह है, फॉग मतलब कोहरा, या बहुत ज्यादा धुआं वगैरह है स्मोक, उससे भी होकर निकल सकती हैं। ये किसी भी तरीके से डेविएट नहीं होंगी, किसी तरीके से डेविएट नहीं होंगी। लिखेंगे द रेंज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, द रेंज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इज 10^-3 to 10^-6 meter।
इनका रेंज जो होता है 10^-3 टू 10^-6 मीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट करें। आइए अगली हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट, वी आर गोइंग टूवर्ड द नेक्स्ट हेडिंग। विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, लाइट का एक विजिबल स्पेक्ट्रम देखेंगे हम लोग। वी विल सी द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ऐसा स्पेक्ट्रम क्या है भाई? बंच ऑफ 7 कलर्स। हमने कहा था व्हाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। व्हाइट लाइट कितने कलर में डिवाइड हो जाती है? 7 कलर। तो उनका एक सीक्वेंस आना, 7 कलर का सीक्वेंस आना क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 कलर का एक पट्टी में, एक स्ट्रिप में, एक तरीके का उनका बंच जो होता है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहा जाता है। आपसे सवाल हो सकता है कि स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में कितने तरह के कलर होते हैं? तो 7 कलर। कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। ठीक है, क्लियर। कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका वायलेट। कौन सा होता है? वायलेट होता है। उसके बाद इंडिगो होता है, इंडिगो, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। 7 हो गए ना, 3, 3, 6 और 1, 7। ये 7 कलर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में होते हैं, आप इन्हें याद रखिए। आइए देखेंगे विजुअल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। सनलाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सनलाइट क्या है? तो लाइट का स्पेक्ट्रम भी क्या होगा? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। लिखेंगे दिस इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये क्या होता है? एक पार्ट होता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट होता है। व्हिच कैन बी सीन बाय ह्यूमन आई, ह्यूमन आई। आप देखते होंगे 7 कलर का स्पेक्ट्रम आपको नजर आता है रेनबो में, जिसे आप इंद्रधनुष कहते हैं। जिसे आप क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। ये इरफान अहमद की साइड से कौन जुड़ रहा है भाई? इरफान अहमद की, उससे कौन जुड़ा है? रेंज ऑफ दिस स्पेक्ट्रम इज 10^-6 मीटर टू 10^-7 मीटर। ये रेंज है इस स्पेक्ट्रम का। इरफान अहमद किस आईडी से कौन जुड़ रहा है? हाँ,